सीयूईटी एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल क्या रहने वाली है, ये सोच सोच के बच्चों का हालत खराब है जो बच्चों को एग्जाम देना है अपने फेज टू में या जुलाई के एंड में। तो देखो बाबू, डरने की कोई बात नहीं है। अभी तक जो एग्जाम हुई है सीयूईटी की, उसके अकॉर्डिंग अभी जो जितने भी दिन, दो तीन दिन एग्जाम चले हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं, पेपर एकदम ईजी से मॉडरेट लेवल का रहा है। खास करके इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट के जो क्वेश्चंस रहे हैं वो इजी टू मॉडरेट ही है, बच्चे आराम से सॉल्व कर पा रहे हैं। बेसिकली इंग्लिश में अगर आपका पैसेज वगैरह पे कमांड है, कॉम्प्रिहेंशन में कमांड है और आप थोड़ी बहुत ग्रामर का नॉलेज है, तो आप आराम से उस एग्जाम को निकाल लोगे। इंग्लिश का जनरल टेस्ट में भी आपको बेसिक सारी चीजों का पता होना चाहिए, मैथमेटिक्स, रीजनिंग वगैरह सब ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज लेवल का है, बहुत टफ लेवल का नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली एग्जाम ही पहली बार हो रहा है। एंड जो बच्चे डोमेन्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मैं बता दूं डोमेन में ना बाबू जो डिफिकल्टी लेवल है वो सब्जेक्ट के हिसाब से है। किसी का कोई पर्टिकुलर डोमेन में जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा डिफिकल्ट आ सकता है, कुछ सब्जेक्ट थोड़ा इजी आ सकता है, तो डिपेंड करता है आपने कौन सा सब्जेक्ट फेल करा है। बाकी दो जनरल टेस्ट एंड इंग्लिश के लिए तुम टेंशन मत लो, डोमेन को अपना स्ट्रॉन्ग कर लो, जो भी सब्जेक्ट तुम अपने क्लास 12th में पढ़ रहे हो उसको बढ़िया से पढ़ो, एनसीईआरटी को पूरा रट जाओ, एनसीईआरटी से पूरे क्वेश्चन आने वाले हैं उसका तो गारंटी है। बाकी कोई भी इतना ऐसा कुछ नहीं है जिससे तुम्हें लोड एंड प्रेशर लेना पड़े, जाओ अपनी फेज टू की एग्जामिनेशन दो, जुलाई के एंड में फेज वन दो, कभी भी दो, आपका रिजल्ट अच्छा आने वाला है फॉर श्योर। तो चैनल को बस एक काम करो, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल दबा दो, ताकि इसी तरीके के सारे अपडेट्स आपको छोटे समय में तुम्हारा भाई तुम्हें प्रोवाइड कर दे। लव यू, टाटा, बाय बाय।